चलिए नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे बहुत सारे क्लिनिशियंस जो है वो उनके पास डायग्नोस्टिक विधाओं को, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को जानना बहुत जरूरी है। उसमें एक बहुत आसान सी एक विधा है जिसे हम टेक्निक है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में जानते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम आपको बताएं कि हमारे साधारण वर्ल्ड में कैसे आपका साधारण तरीके से आप कैसे ईसीजी को देख सकते हैं। ईसीजी को तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स का हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, उनमें जो डायग्नोसिस के टूल्स हैं उनमें जो ईसीजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो भी आपको इन डायग्नोस्टिक टूल्स का पता होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि नाड़ी विज्ञान का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ आपको आज की आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स का भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी जिसे ईकेजी भी कहते हैं, यह डायग्नोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये आप इसे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा ये आपको कार्डिक रिदम बताता है, आप कार्डिक रिदम देख सकते हैं। ये कभी कभी मरीज हमारे पास सीने में दर्द लेके आता है, वो उस वक्त ये नहीं आप कह सकते कि मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। ऐसी कंडीशंस में कई बार मरीज हमारे आसपास ही ऐसी कंडीशन में होता है जब वो चेस्ट पेन लेके आते हैं, और चेस्ट पेन जो है वहाँ कई बार थ्रोम्बोलिसिस या फिर थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ ली जाती है पेशेंट को, और उस पेशेंट के लिए क्रिटिकल विंडो पीरियड होता है। यदि हाफ एन आवर्स के बीच में अगर आपने उसे शिफ्ट नहीं किया तो पेशेंट के परमानेंट मायोकार्डियल मसल्स में डैमेज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको डायग्नोसिस के इन टूल्स का अगर आप प्रयोग जानते हैं और आप अपने क्लिनिक पर भी इनको रखते हैं, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ईसीजी इंस्ट्रूमेंट्स को, और आप ईसीजी लेकर के यदि आप उसे डायग्नोसिस करके उसे सेंटर्स पे, हायर सेंटर्स पे रेफर करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। इससे आप हम चिकित्सकों का नाम आगे जाता है, क्योंकि महर्षि चरक ने भी कहा है कि युग मानसा तुयो विद्या देश काल उपपादितम पुरुषम पुरुषम विक्षम सज्ञेयो भिषगोत्तम, यानी जिसने देश काल के हिसाब से विद्या को अर्जित किया और हर मरीज का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उस मरीज को सही चिकित्सा दी, वही अच्छा चिकित्सक है। यानी यदि आप डायग्नोसिस के इन टूल्स को जानते हैं और समझते हैं और आप उचित समय में उचित निर्णय ले सकते हैं, तो भी आप एक अच्छे कुशल चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ईसीजी का इंटरप्रिटेशन ये एक पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन है जिसे हम देख करके समझते हैं, और ईसीजी को एनालाइज करना ये पहला सिद्धांत है कि आप कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ बहुत सिंपल से रूल्स हैं और बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य आपको कोई ईसीजी में एक्सपर्ट बनाना नहीं है, पर मैं ये चाहता हूं कि आपके पास मैंने रिकॉर्डिंग्स को ऑन नहीं किया है, आई विल जस्ट डू द रिकॉर्डिंग्स। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको उन बेसिक फैक्ट्स को बताऊं जिसके माध्यम से आप अपनी क्लिनिक पर बैठ के भी, यदि आपके पास मरीज इस प्रकार की डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस को लेके आता है, तो आप कम से कम उसे रीड कर सकें, उसे समझ सकें, उसे पढ़ सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आयुष दर्पण पर हम क्लिनिकल आयुर्वेदा ग्रुप चला रहे हैं, तो हमने उसमें आपको आयुर्वेद में ही आयुर्वेद के सिद्धांतों पर, आयुर्वेद की चिकित्सा सिद्धांतों के अलावा आधुनिक उन टूल्स पर भी आपको अपडेट करना जरूरी है। इसीलिए हम आपको इस प्रकार की डायग्नोस्टिक्स भी, ट्रेनिंग्स भी देंगे हम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसमें रूल्स एंड फैक्ट्स बताऊंगा कि ईसीजी किन सिद्धांतों पर काम करती है और कैसे इसको हम देखते हैं। आपको सबसे पहले ईसीजी को जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, वो मैं प्रेजेंटेशन आपको, छोटा प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको देखें तो आप इससे आपको बातें थोड़ी सी और आसान से समझ में आ जाएगी।
इसमें मैं आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम बताऊंगा, जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको हार्ट का इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, जिस इलेक्ट्रिकल डायग्राम को जान करके आप जो है ईसीजी पे क्या इंटरप्रिटेशन आता है ये आप समझ पाएंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम को देखें, मैं ये पीपीटी को बिगिनिंग से आपको दिखाता हूँ। ईसीजी को इजीली समझना, ये मैं आपको बहुत आसानी से ईसीजी को समझना बताऊंगा। तो आप अगर आप गौर से देखें, अगर आप वायरिंग डायग्राम देखें हार्ट का, तो आप जानते हैं, देखिए आयुर्वेद के डॉक्टर चिकित्सकों को भी मॉडर्न एनाटॉमी मॉडर्न फिजियोलॉजी का उतना ही जानना जरूरी है जितना आयुर्वेदिक सिद्धांतों को जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए एनाटॉमी या फिजियोलॉजी ये किसी पैथी की नहीं है, इसे हमें आधुनिक जो अगर आपके आज के समय में जो भी विज्ञान के द्वारा जो बताया गया उसे जानना चाहिए। आप सब जानते हैं कि साइनो ऑरिकुलर नोड से, साइनो ऑरिकुलर नोड जो यहाँ दिख रहा है, साइनो ऑरिकुलर नोड से एक डिपोलराइजेशन की एक वेव चलती है। आप सब जानते हैं कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की एक पूरी प्रक्रिया है। मैं बहुत सरल भाषा में और बहुत सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो और अब बहुत आसानी से आप समझ जाएं। तो जब भी आप देखते हैं तो हार्ट का जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है या किसी भी मसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं वहां। इलेक्ट्रिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो है वो डीपोलराइजेशन के रूप में होते हैं। पोलरिटी बदलती है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलरिटी का बदलना, यानी आप जानते हैं कि आयनिक एक्सचेंज होता है हर मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो ऐसे ही हार्ट में भी होता है। ये हार्ट का वायरिंग डायग्राम है, इसे आप वायरिंग डायग्राम समझें। और इस डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोड्स को अटैच करते हैं, जो हमें इन इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें चल रही है हार्ट के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन पेपर पे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड कहाँ अटैच करते हैं? उसको हम अटैच करते हैं सर्फेसिस पे, हम अपने बॉडी के सर्फेसिस पे करते हैं। और जहां से ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हो रही पोलरिटी के चेंजेस को रिकॉर्ड करती है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये हमेशा पोलरिटी बदलती है तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बेसिक है, ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस है, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमारे हार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो भी हमारे हार्ट में होते हैं उसका रिकॉर्ड हमारी ग्राफ पे पेपर पे आता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे रिकॉर्ड करता है। तो आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी हार्ट का होता है या किसी भी मसल्स का होता है तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है और फिर आप देखते हैं कि एक साथ साथ रीपोलराइजेशन भी होता है। तो आप अगर गौर से देखें तो हार्ट के चारों चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं, जहां राइट एट्रियम, ये वाला राइट एट्रियम, ऊपर लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल और इस तरफ बाई तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप सब जानते हैं। और बीच में बंडल ब्रांच है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। ये आप पूरी तरह से आपको डायग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम दिख रहा है। आज मैं केवल आपको परिचय दे रहा हूँ। मैं हर रविवार को ये कक्षा 8 बजे लूंगा, आप आयुष दर्पण के प्ले स्टोर से भी आप ज्वाइन करेंगे। और मैं अभी पहले आपको ईसीजी के बारे में बेसिक्स बताऊंगा, फिर आपको सामान्य ईसीजी देखना बताऊंगा, फिर मैं डिफरेंट विभिन्न कंडीशंस की ईसीजी आपको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो आप ये आप देख रहे हैं कि साइनो ऑरिकुलर नोड से जो है हर बार एक कार्डिक साइकिल में एक जो है डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन जो है स्टार्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट का जो नेचर है, हार्ट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और सेल्फ रिलैक्स करता है, जिसका ओरिजिन जो है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से होता है, जो यहाँ चित्र में दिखाया है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड से एक प्रकार से एक डीपोलराइजेशन की वेव चलती है और ये वेव पहले राइट एट्रियम में पहुंचती है, देख रहे होंगे आप, यहाँ दिखाया है उसका डायरेक्शन, फिर राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम में ये पहुंचती है। और मैं आगे आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से आगे चलती है। तो डीपोलराइजेशन जो है वो स्प्रेड आउट करता है और सीधे सीधे सबसे पहले वो एट्रियम में फैलता है। अगर आप गौर से देखें तो वो सबसे पहले एट्रियम में उसका उसका स्प्रेड आउट होता है,
यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड से जो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ उसने राइट एट्रियम और फिर लेफ्ट एट्रियम तक उसका स्प्रेड आउट हुआ, और इस प्रकार से आप इसके स्प्रेड को देख करके और हम क्या एट्रियल मसल फाइबर में इसके स्प्रेड और ठीक इसके डीपोलराइजेशन स्प्रेड जब होता है तो उसके बाद डीपोलराइजेशन जो है वो ठीक हमारे जो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है एवीएन, जो ठीक आप जानते हैं कि जो ठीक आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है जो येलो से दिखाया गया है, वहां पहुंचते हैं ये सारे जो डीपोलराइजेशन के वेव्स हैं, और डीपोलराइजेशन की वेव्स वहां से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है इलेक्ट्रिकल जो एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल वेव जो है ये वहां से फिर ये पहुंचते हैं स्पेशलाइज कंडक्शन टिश्यू जो है जिसे हम बंडल ब्रांच बोलते हैं, और इन बंडल ऑफ ब्रांच के द्वारा बंडल ऑफ हिस बोला जाता है, और वहां से ये फिर डिवाइड होता है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्रमशः लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में, तो और वहां से फिर ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये वेव्स पहुंचती हैं। तो जब भी आप ईसीजी देखते हैं तो आपको ये वायरिंग डायग्राम अपने दिमाग में बिठाना होता है। रजनीश जी, उमेश घोड़के जी, हार्ट का चार चैम्बर आपके दिमाग में होना चाहिए। पोलरिटी का स्टार्ट जो है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड से राइट एट्रियम होते हुए ये लेफ्ट एट्रियम में डीपोलराइजेशन की वेव पहुंचती है, और फिर ये वहां से ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए नीचे बंडल ऑफ हिस, और क्रमशः बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल और राइट बंडल ब्रांच पहुंचती है। ये आपको आप जानते हैं, तो ये जिसे हम पुर्किंजे फाइबर्स भी कहते हैं उसके थ्रू ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड कर जाती है। अब मैं आपको अगला इसी में आगे मैं बताता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वायरिंग डायग्राम एंड द वायरिंग सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द हार्ट। यानी कि आपको ईसीजी को समझने के लिए सबसे पहले हृदय के इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना बहुत जरूरी है, और आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर जो मेन चीज है वो साइनो ऑरिकुलर नोड, वहां से डीपोलराइजेशन की वेव चली राइट एट्रियम, राइट से फिर वो लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हुए पूरी वेंट्रिकल्स में पहुंच गई। इट्स क्लियर आपको जो लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मेरी आदत है जी। इट्स क्लियर नाउ, आई होप दैट, यानी कि ये आपको बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड फ्रॉम साइनो ऑरिकुलर नोड थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड देन इट गोज टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। बहुत आसानी से देखिए, मेरा उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इतना सबल बना दो कि उन्हें हर कुछ आना चाहिए, उन्हें अपने आयुर्वेद के सिद्धांत भी आने चाहिए, और आधुनिक चिकित्सा की उन टेक्निक्स किसी की बपौती नहीं है, इन्हें वैज्ञानिकों ने इजाद किया है। इन्हें अगर हमें हम जानते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन जानते हैं, तो ये हमारी डायग्नोस्टिक स्किल्स और को और मजबूत बनाता है, इसीलिए हमें इसको जानना और सीखना चाहिए। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं। रिदम, हार्ट की रिदम क्या होती है? तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन है हार्ट की वो बिगिन करती है एक स्थान से जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यानी साइनो ऑरिकुलर नोड से जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल हम कहें कि एक्टिवेशन है वो स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होती है। देखिए मैं बहुत सरलता से पढ़ाऊंगा ताकि हर व्यक्ति जो बहुत बेसिक चीजें भी जानता है वो इसको समझ पाए। तो हार्ट का पूरी की पूरी बैटरी जो है वो साइनो ऑरिकुलर नोड है। अगर आप ये कहें कि एक बैटरी लगाई हुई है ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जो साइनो ऑरिकुलर नोड है। हार्ट की, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हमारा ब्रेन का कोई रोल नहीं है। अगर हार्ट को फ्रॉक के आप काट के अगर आप एक उस पे रख दें, ट्रे में रख दें, तो वो पंप करता रहता है, आप देखेंगे, क्योंकि वो अपनी ऑटो रिदमिसिटी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। यानी कि वो अपनी ही बैटरी से वो चलता है, और वो बैटरी साइनो ऑरिकुलर नोड है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एक्टिवेशन है हार्ट का वो स्टार्ट होता है, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट ना हो करके वो आजू बाजू के स्थान से स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ा गजब है।
अगर आप देखेंगे तो यानी कि सामान्य रूप से ऐसे नोट से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह ऐसे नोट से स्टार्ट ना हो करके कहीं और से नजदीक वाले इधर उधर से दाएं बाएं से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन का सीक्वेंस देखना पड़ता है और रिदम बदलती है। लेकिन सामान्य स्थिति में हम यही कहेंगे कि जो रिदम है जिसे हम साइनस रिदम कहते हैं वो साइनो ऑरिगुलर नोट से स्टार्ट होती है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, उसमें एक बैंड मास्टर होता है, वो बैंड मास्टर के थ्रू सारा का सारा म्यूजिशियन सारा काम करते हैं और कंट्रोल उसका होता है, उस बैंड मास्टर का कंट्रोल होता है। यदि वो बैंड मास्टर का कंट्रोल हट करके किसी और के पास चला जाए तो पूरा का पूरा म्यूजिक बैंड का रिदम बिगड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रिदम है वो बैंड मास्टर साइनो ऑरिकुलर नोट के हाथ में होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंट्रोल इससे बाहर चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में रिदम बिगड़ गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, देन यू कैन से दैट इज द साइनस रिदम। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आज पहला लेक्चर है, बड़े आराम से समझिए। और मैं आपको ईसीजी देखने में इतना तो जरूर है तय है कि मैं आपको ईसीजी का इंटरप्रिटेशन देखना सिखा दूंगा 100%। आप इस बात को मान के चलिए कि आपके सामने ईसीजी की ग्राफ आएगी और आप देख के बता देंगे देयर इज सेम द चेंजेस एंड दीज चेंजेस रिप्रेजेंट्स द सर्टेन कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी एसेंशियल। आपको ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई पेशेंट आपके पास इस तरह के आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आता नहीं है और मैं जो है आपको डायग्नोज नहीं कर सकता। आपको ये आना चाहिए, जरूर है कि हम इमरजेंसीज की कंडीशंस में हमें उन्हें रेफर करते हैं, पर हमारा रेफरल ऐसा होना चाहिए कि हमने उसको पहचान के रेफर किया, हमने यूं ही रेफर नहीं किया। हम लोग कार्डिक पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, जो कार्डियोमायोपैथी जैसी कंडीशंस में उनका आयुर्वेद में बेहतरीन इलाज होता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस एक्यूट MI है, ऐसी कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरप्रिटेशंस का जानना बहुत आवश्यक है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब आपको ये दोबारा ये डायग्राम देखें, आप देखिए ये जानना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे हार्ट का पूरा का पूरा, आपको एक प्रकार से दोबारा से मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये नीले कलर में आप देख रहे हैं कि हमारी जो वेना कावा है वो सुपीरियर वेना कावा, और इस तरफ आप नीचे देख रहे हैं नीचे लोअर साइड में इन्फीरियर वेना कावा। इधर आप देख रहे हैं कि आयोटा जो है आयोटिक एक आर्च बन रहा है, और आप यहाँ क्लियर कट देख रहे हैं देर इज ए इंट्रा आर्ट्रियल पैथवे, एक साइनो ऑरिकुलर नोड है जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। आप जानते होंगे किसी को पेस मेकर लगाते हैं तो साइनो ऑरिकुलर नोड से अगर हार्ट का डीपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं होता है तो उसे अल्टरनेट बैटरी हमें लगानी पड़ती है पेसमेकर, जो उसको एक प्रकार से स्पार्क करके उसको दोबारा से डीपोलराइजेशन की वेव को भेजने के लिए मजबूर करती है। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, आप जानते हैं कि डीपोलराइजेशन की वेव, आप ये मालूम है आपको कि राइट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर AV नोड पर पहुंचते हुए बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से होते हुए वो परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे के पूरे जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में स्प्रेड कर जाती है। वही चित्र ये दोबारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपको हार्ट का एक वैसा डायग्राम भी आपके सामने ये प्रेजेंट है जो आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ के आए हैं। मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल रिविजन करा के आपको अपडेट करना है। मेरी आवाज गई नहीं है नितेश भारद्वाज जी, आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, मेरी आवाज अच्छी आ रही है। तो ये आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया, आई थिंक मेरी आई एम ऑडिबल। चलिए अब हम आगे आपको ले चलते हैं। अब आप देखिए हम कैसे इसको हम प्लेस करते हैं, हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द लीड्स इन द इलेक्ट्रो ईसीजी मशीन। उसके जो लीड्स होती है आप जानते हैं, तो उसका प्लेसमेंट कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट आर्म लेफ्ट आर्म राइट लिम्ब लोअर लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब, तो ये हम इस प्रकार से उसके लीड्स का प्लेसमेंट करते हैं, राइट आर्म पर लेफ्ट आर्म पर राइट लेग पर लेफ्ट लेग पर, और एक चेस्ट लीड होती है
जिसको हम 6 डिफरेंट पोजीशंस पे लगाते हैं। ध्यान रखिएगा टोटल 12 लीड्स होती हैं, 6 लिंब लीड्स और 6 चेस्ट लीड होती है। आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, मैं केवल आपका रिविजन करा रहा हूँ। और कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होता है, तो जो उसमें कलर लगा होता है उसमें आप देखेंगे तो राइट आर्म पर राइट को लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पर लेफ्ट को लगाते हैं, राइट लोअर लिम्ब पर राइट जो है लोअर लिम्ब वाले को लगाते हैं, और लेफ्ट लिम्ब वाले को लेफ्ट लिम्ब पर लगाते हैं, और चेस्ट वाले को चेस्ट के अलग अलग पोजीशंस पर रखते हैं। ये आपने देखा होगा। आवाज क्यों नहीं आ रही नितेश भारद्वाज जी? आप अपना नेटवर्क को एक बार एग्जिट करें और एंट्री करें, योर नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूं, यहां से आगे चलते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, अब ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने प्रेजेंट किया है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे वहीं कह दीजिएगा, मैं रोक दूंगा, मैं एकदम से रोकूंगा आपको। जब भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डीपोलराइजेशन, आपने पढ़ा कि डीपोलराइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, साइनो ऑरिगुलर नोड्स, पढ़ा आपने। तो जब वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो एक वेव बनती है ग्राफ पे, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद एक वेव बनती है, उसको बोलते हैं पी वेव। यानी कि ईसीजी में जो पी वेव है, अगर आप पी वेव को देखें गौर से, तो ये पी वेव जो है यहाँ पे आप देखें, ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन के स्टार्ट को बताती है, वो पी वेव है। यानी अगर कोई पी वेव में एबनॉर्मलिटी है, यानी कि ईसीजी के पी वेव में कोई एबनॉर्मलिटी है, इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? यानी किसी के अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अगर ईसीजी के किसी के आपको ऐसा ईसीजी में ऐसा लगता है कि उसके पी वेव में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो रिप्रेजेंट करती है उसके एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। यानी कि पी वेव का बनना किसको बताता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। नहीं, अब आप ये जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और आगे आपको ले जाता हूं। अभी एक मिनट, ये थोड़ी सी दोबारा शेयर करता हूं। अब आप गौर से देखिए, अब आप गौर से देखिए, मैं इसी को दोबारा से आपको मैं इसी को आपको दोबारा समझाता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पी वेव है, जो पी वेव है उसका उसका उसमें कोई उसका निर्माण जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसका निर्माण, उसका जो निर्माण है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी हमारी जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड से जो हमारी वेव आगे को चल रही है उसको 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 रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने आपको बताया। अब आप आगे देखें, अगर आप आगे देखें तो अब आप जानते हैं कि जो पी वेव, जो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव है, वो साइनो ऑरिकुलर नोड से, मतलब वो राइट साइड से चलती हुई वो लेफ्ट साइड को पहुंची, और लेफ्ट साइड से वो, मतलब आप साइनो, आपने देखा कि वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट हुई और फिर वो अपने लेफ्ट साइड में पहुंची, और लेफ्ट साइड से पहुंचने के बाद वो फिर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंची। यानी कि जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हम कह सकते हैं कि अब जो वेव बनती है वो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। QRS कॉम्प्लेक्स इस स्थिति में बनता है। मैं ये स्लाइड्स में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसको मैं फुल स्क्रीन पर लाना चाह रहा हूँ। आई विल शो इट टू यू, वन मिनट। तो आप देखें यहाँ पे आपको ये और क्लियर हो जाएगा
ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अगर आप गौर से देखें तो ये वेंट्रिकुलर डी, जब ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है तो पूरा का पूरा एक QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी कि अगर कोई परिवर्तन QRS कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी कि जब आर्ट्रियल एट्रियम का डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है तो जो वेव बनती है उसे पी वेव बोलते हैं, और जो वेंट्रिकुल का डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है तो जो वेव बनती है उसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम रिलैक्स भी करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स भी करेगा, तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वेव तो आती है पी वेव के रूप में, लेकिन एट्रियम के रिपोलराइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्डिक साइकिल में डिपोलराइजेशन के साथ साथ रिपोलराइजेशन का भी उतना ही महत्व है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो एट्रियम के रिपोलराइजेशन का प्रेजेंटेशन ईसीजी के ग्राफ पे नहीं आता है, लेकिन वेंट्रिकल जब रिलैक्स करती है उसका रिप्रेजेंटेशन आता है और उससे बनता है जो कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है, उसे बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। तो पी क्यू आर एस और टी जो है वो वेंट्रिकल, यानी कि आपने देखा पी वेव जो बनती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाता है तो वो QRS कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होकर के एक दूसरी वेव बनती है जिसे टी वेव कहते हैं, यानी एट्रियल रिपोलराइजेशन जो है वो ईसीजी में नहीं आता है, नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप गौर से देखिए, फिर मैं रिपीट करता हूं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनने वाली वेव पी वेव है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनने वाली वेव QRS कॉम्प्लेक्स है, एट्रियल रिलैक्सेशन का रिप्रेजेंटेशन ईसीजी के ग्राफ में नहीं आता है, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का ग्राफ एसटी वेव या टी वेव्स के रूप में आता है। यहां तक आपको मैंने समझा दिया, अब मैं इसको आपको दोबारा से मैं अपने बोर्ड को शेयर करके मैं आपको समझाता हूं। यानी आप गौर से देखें तो जब हमने देखा कि जब हमारा एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रियम ने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक वेव बनी, इसको बोलते हैं पी वेव, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर यही वेव आगे जब वेंट्रिकल तक पहुंच गई तो वेंट्रिकल तक पहुंचने के बाद इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे हमने QRS कॉम्प्लेक्स कहा, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद यहां से फिर एक टी वेव बनती है, ये बनती है, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो यदि पी वेव में कोई चेंज आ रही है तो वो हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आ रही गड़बड़ी को बताएगी, QRS कॉम्प्लेक्स में कोई परिवर्तन है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आ रहे परिवर्तन को बताएगा, और टी वेव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम को बताएगा। यहां तक आपको आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, इज इट क्लियर नाउ। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ईसीजी है ये पूरा का पूरा वायरिंग डायग्राम आपको जानना पड़ेगा, और वायरिंग डायग्राम में आपको ये बात हार्ट के चार चैम्बर अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, और हार्ट के चार चैम्बर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का स्टार्ट जो है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से होता है, ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपोलराइजेशन की वेव साइनो ऑरिकुलर नोड से अगर स्टार्ट हो रही है तो कौन सा वेव बनता है, पी वेव बनता है। उसे तबानी जी, आप लोगों को मैं कुछ ऐसा चीज पढ़ा रहा हूँ पर मेरा प्रयास है कि मैं आपको सरलता से समझाऊं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। शायद आप बहुत ज्ञानी होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर इतना इजी वे में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो पी वेव का बनने का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन की वेव कंप्लीट हो गई है, यानी कहां से कंप्लीट हुई है, स्टार्ट हुई है साइनो ऑरिकुलर नोड से। जब पी वेव पूरा बन गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा एट्रियम है यानी जिसे हम ऑरिकल कहते हैं वो पूरा डिपोलराइज हो गया है। जब QRS कॉम्प्लेक्स बन गया
स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है कि अब जो है वो डीपोलराइजेशन की वेव ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, नहीं सर जी मुझे ठीक से नहीं आता, पर मैं आपको ठीक से समझा दूंगा, अभी मैं देखो दोबारा समझाता हूँ आपको, अभी देखो अभी आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये देखो आप, अब ये आपने ध्यान रखना है, देखो यहाँ से यहाँ देखिए आप, ये चार चैम्बर हार्ट के मैं ऐसा बनाता हूँ, आपको एक स्क्वायर बनाता हूँ, इसको ध्यान रखना आप, हमेशा इसको ध्यान रखना। ये स्क्वायर बना दिया मैंने, यहां से स्टार्ट हुई पोलरिटी, पोलरिटी स्टार्ट हुई, पोलरिटी यहां से स्टार्ट हो गई नहीं, और यहां से पोलरिटी स्टार्ट हुई, आपने देखा ये पोलरिटी हमारी यहां से क्या हुई, स्टार्ट हो गई, ये पॉइंट हमारा पोलरिटी को स्टार्ट करता है। तो हमने हमने ये इसको कंप्लीट कर देते हैं, वन मिनट, हार्ट के ये चार चैम्बर मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा जहां से ये पोलरिटी स्टार्ट हुई इसको बोलते हैं एसए नोड, आप सब जानते हैं ये एसए नोड है, ठीक है ये एसए नोड है, और एसए नोड से स्टार्ट हुई पोलरिटी कहां पहुंची, पोलरिटी वहां से खिसकते हुए पहुंची एट्रियम के दूसरे पार्ट में, एट्रियम के दूसरे पार्ट में, और यहां से यानी कि एटीएम के दूसरे पार्ट में कहां पहुंची है? ये अगर इसे आप ये लेफ्ट पार्ट में पहुंच गई, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहां क्या मिलेगा इसको, यहां पे दूसरा नोड है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड। तो यहां से जब जब पूरी पोलरिटी पहुंच गई, पूरा हमारा एटीएम जो है वो पूरा का पूरा डीपोलराइज हो गया, तो जो वेव बनी उस वेव का नाम है, उस वेव को क्या बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं पी वेव। क्या ऐसे बनी, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये पूरा का पूरा एट्रियम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो बनी पी वेव। यानी पी वेव का बनना साइनो ऑरिकुलर नोड से डीपोलराइजेशन के चलते हुए पूरे के पूरे ऑरिकल को एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जानते हैं यहां से फिर ये डीपोलराइजेशन की वेव कहां चलेगी, नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी ये बंडल ऑफिस, फिर यहां से कहाँ जाएगी ये क्रमशः इधर राइट बंडल और इधर लेफ्ट बंडल की तरफ। यानी जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, डिपोलराइजेशन पहुंच गई, तो दूसरा वेव क्या बना, ये बन गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं क्यू आर एस, इसको बोलते हैं पी। अब जब आप जानते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो बना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो वेंट्रिकल रिलैक्स भी करेगा, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो इसी के बाद एक आगे आगे एक वेव और बनती है जिसे हम बोलते हैं टी वेव। अब आप कहेंगे कि सर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन तो आया, पर ऑरिकल का रिलैक्सेशन क्यों नहीं आया, तो ऑरिकल का जो रिलैक्सेशन है उसका पूरा क्लियर पिक्चर ईसीजी में नहीं आता है, एटीएम के रिलैक्सेशन को ईसीजी में आपको पूरा पिक्चर उसका क्लियर नहीं आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पी वेव में आ रही गड़बड़ी किसको बताएगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आ रही गड़बड़ी को बताएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आ रही गड़बड़ी किसको बताएगी, वेंट्रिकुलेशन में आ रही गड़बड़ी को बताएगी, और टी वेव या एसटी सेगमेंट या टी वेव में आ रही गड़बड़ी किसको बताएगी, तो वो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन में आ रही गड़बड़ी को बताएगी। तो आज मैंने आपको तकरीबन 40 मिनट के इस लेक्चर में मैंने हार्ट की आपको एक छोटी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसका वायरिंग डायग्राम, आप जानते हैं आयनिक एक्सचेंज होता है जहां पर भी, तो हार्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ऑटोरिथमिसिटी, और ऑटोरिथमिसिटी किस सेंस में है, साइनो ऑरिकुलर नोड से जो है डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, वो एक बैटरी है जो ऑटोमेटिकली डीपोलराइजेशन के वेव को जनरेट करती है, वो डीपोलराइजेशन का वेव वहां से कहां जाता है, वहां से पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो जाता है। जब एट्रियम में पूरा स्प्रेड हो जाता है तो कौन सी वेव बनती है, पी वेव बनती है, पी वेव ऐसे बनती है। जब अब आप जानते हैं कि वहां से वो एवी नोड होते हुए नीचे जो बंडल ऑफिस और बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर होते हुए पूरे वेंट्रिकल में वो स्प्रेड करती है डीपोलराइजेशन की वेव, तो कौन सा वेव बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। इतने में वेंट्रिकल रिलैक्स भी होने लगता है, तो रिलैक्स होता है तो जो वेव बनती है उसको टी वेव बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, पी क्यूआरएस और टी। हम चलिए इसके आगे, अगले रविवार को हम फिर आपसे मिलेंगे रात के 8 बजे आयुष दर्पण के इसी आपको डिजिटल ऐप पर, आप डिजिटल ऐप जरूर डाउनलोड करें,
8 बजे मैं आपको ये कक्षाएं रविवार को जरूर लिया करूंगा। और आने वाले समय में मैं इतना आपको दावा करता हूं कि आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, कितना भी कम जानते हो मॉडर्न, मैं आपको ईसीजी देखना सिखा दूंगा। ये मेरा, और मैं ऐसे फंडामेंटल्स प्रिंसिपल बताऊंगा कि जो आप ईसीजी को आसानी से देख पाएंगे। मेरा बार बार ये कहना आपको है कि आपको डायग्नोस्टिक चीजों को जानने में कोई बुराई नहीं। यदि आप एक अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपको एक्सरे देखना भी आना चाहिए, आपको ईसीजी देखना भी आना चाहिए, आपको आयुर्वेद का नाड़ी परीक्षण भी आना चाहिए, और आपको आयुर्वेद के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर आधारित चिकित्सा भी आनी चाहिए। तो हम आपको, प्रयास हमारा ये है कि हम आपको इन सभी चीजों से अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, और फिर आपसे रविवार को मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।